मेखला और अत्रिचा, मैं भी चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वापस से मुलाकात होगी आपसे। मुझे लगता है हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। ध्यान से जाना। बट इफ यू डोंट माइंड, आप जा कहाँ रहे हो? जी, मुंबई। वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काम करोगी? जी, बस कोशिश कर रही हूँ, कुछ फाइनल नहीं हुआ है अभी तक। नमस्ते आंटी जी, आती हूँ। नमस्कार। अचानक कुछ तो खा के जाओ। नहीं नहीं, वो क्या है ना, बड़ो मारी ना पेट भर के खिला दिया था मुझे, और बिल्कुल पेट में जगह नहीं। प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर अभी खा नहीं पाऊंगी आंटी जी। आती हूँ। अरे क्या आती हूँ, मैं आता हूँ ना एयरपोर्ट तक। नहीं नहीं छोटो ना, आप क्या करेंगे, मैं खुद यहाँ से टैक्सी लेके चली जाऊंगी, आप यहीं रहिए। अरे जनक, ये क्या, इसे कह दीजिए कि मैं ड्रॉप कर दूंगा इसे। और अब ये सुनकर तो जनक का चेहरा ही बदल सा जाता है। अनी क्यों जाएगा उसे छोड़ने, क्या और कलह करवाना है? नो थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुझे लगता है मैं इस पोजीशन में तेरी तरफ से ही बात करने के लिए? अपूदी, मैं आती हूँ। जल्दी आना, नहीं तो मैं बहुत उदास हो जाऊंगी। इससे थोड़ी ना उदास होते हैं। अब देखिए, जब तक आपकी टैक्सी नहीं आ जाती, अपन आपके साथ बाहर तक चलता है। आलूंगा, इट्स ओके, आप लोग यहीं पे रहिए, मेरे पास गाड़ी है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा ना आपसे, इसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप चाहते हैं कि मुझे छोड़कर आए एयरपोर्ट तक, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं भी ऐसा चाहूं। और अब सबके सामने झनक अनी के साथ ऐसा बर्ताव करती है तो अनी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वहीं मौजूद हर कोई चुप हो जाता है कि आखिर ऐसी भी क्या बात है इन दोनों के बीच कि पास होकर भी दूरी नजर आती है। हो सकता है आपके मुझे एयरपोर्ट छोड़ने से मुझे प्रॉब्लम हो। झनक, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बताना। मीनू मैम, मुझे एक ही चीज की जरूरत है, एक ही चीज चाहिए मुझे, और जिनसे मांगनी थी मैं मांग चुकी हूं। उसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार। ये मेरी जिंदगी। और अब मीनू जहां गले लगाती है झनक को, अनी बहुत ही असहज महसूस करता है। पर झनक की नजरें जिस इंसान से सब प्यार करते हैं, जो खुद सबसे इतना प्यार करता है, उसने मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगाया है? मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। इस बच्चे को अपना नाम दीजिए, इस बच्चे को अपनाइए। जनक बिना वजह कुछ नहीं करती, तो फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या आदित्य कपूर को इस सबसे दूर रखना चाहती है इसीलिए? छोटन, प्लीज चले, देरी हो जाएगी। और अब झनक अनी की ओर देखती है, जिस चीज के लिए इतनी उम्मीद लेकर आई थी और भरोसा किया था अनी पर, वो तो मुकर गया हर वादे से। क्या हुआ झनक, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? नींद पूरी नहीं हो छोटन, चलिए। और आज पहली बार जितनी ही चकाचौंध क्यों ना हो, पर अनी का दिल रो रहा है। अंधेरा सा छाया है उसके अंदर, एक हिस्सा उसके जीवन का दूर चला गया है। और अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। अगर ये बच्चा नहीं होता बीच में, तो शायद अनी के लिए झनक का ना होना मंजूर ही नहीं होता।
तो आगे देखते रहिए क्या होता है झनक की अपडेट्स में, जहां आज अनी को सबके सामने ठुकरा कर गई है झनक, पर वादा भी करके गई है सच को बाहर लाने की। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और देखते रहिए झनक की आने वाली अपडेट्स यहीं पर।